हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमें दो चीजें समझने की जरूरत है, अवेयरनेस और माइंड। चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या है। मान लो कि अवेयरनेस एक चमकती हुई लाइट बॉल है, एक ऐसी लाइट बॉल जो आपके माइंड में इधर से उधर तैर सकती है। अब मान लो कि माइंड एक बहुत बड़ी जगह है, इसमें अलग अलग एरियाज हैं, गुस्सा, हैप्पीनेस, जेलसी, फूड, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। इस माइंड में हर तरह का एरिया है। आप आपके अवेयरनेस की उस लाइट बॉल को अपने माइंड के जो चाहे एरिया में ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर वो लाइट बॉल आपके माइंड के हैप्पीनेस वाले एरिया में जाएगी तो वहां रोशनी करेगी और आप हैप्पी फील करने लगोगे। क्या आप हैप्पी हो? नहीं, वो अवेयरनेस की लाइट बॉल आपके माइंड के हैप्पीनेस वाले एरिया में। सिमिलरली अगर वो लाइट बॉल गुस्से वाले एरिया में जाएगी तो वहां रोशनी करेगी। क्या आप गुस्सा हो? नहीं, आपकी अवेयरनेस गुस्से वाले एरिया में है। आप अपने विल पावर और अपने ध्यान लगाने की शक्ति से उस लाइट बॉल को अपने माइंड के जिस एरिया में चाहे ले जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां आपकी अवेयरनेस जाती है वहीं आपकी एनर्जी भी जाती है। तो अगर आपकी अवेयरनेस आपके माइंड के गुस्से वाले एरिया में जाती है तो आपकी एनर्जी भी वहीं जाती है और वो आपके माइंड के उस एरिया को और मजबूत करती है। और ये हर दिन होता है। हम अपने आसपास के लोगों को और चीजों को अलाउ करते हैं हमारी अवेयरनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो वो लोग जहां चाहते हैं हमारे अवेयरनेस को वहां ले जाते हैं और हमारी एनर्जी भी वहीं चले जाती है। और जिस तरह के एरिया में हमारी एनर्जी जाती है वैसे ही हमारी लाइफ भी बनती है। तो आपका गोल आपके माइंड को कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको आपकी अवेयरनेस कहां जाएगी ये कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें ध्यान लगाना सीखना होगा। तो पहले ये देखते हैं कि ध्यान क्या होता है। मेरे हिसाब से ध्यान एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपनी अवेयरनेस को लंबे समय तक एक जगह पर रख सकते हो। ज्यादातर लोग दो रीजंस की वजह से ध्यान नहीं लगा पाते। पहला ये कि उन्हें कभी ध्यान लगाना सिखाया ही नहीं गया है। दूसरा ये कि उन्होंने कभी ध्यान लगाने की कोशिश ही नहीं की। आप में से कितने लोग मैथ्स और साइंस की क्लासेस की तरह ध्यान की क्लासेस भी अटेंड करते हो? मैं दुनिया भर में ट्रेवल करता हूँ और लोगों से यही सवाल पूछता हूँ, लेकिन कोई अपना हाथ नहीं उठाता। आप में से कितने लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपसे ध्यान लगाने के लिए कहा जाता था? ये अजीब सा है ना। हमें स्कूल में ध्यान लगाने के लिए तो कहा जाता था, लेकिन ये नहीं बताया जाता था कि ध्यान लगाते कैसे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे हमेशा ध्यान लगाने के लिए कहा जाता था, खाने पर ध्यान लगाओ, होमवर्क पर ध्यान लगाओ। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहा है, लेकिन क्या कभी आपने उन्हें ये सिखाया है कि ध्यान लगाते कैसे? अगर आपने उन्हें नहीं बताया है कि ध्यान कैसे लगाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ध्यान कैसे लगाते हैं? अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे होना चाहते हो तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज पर ध्यान लगाना सीखना चाहते हो तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। लोगों को डिस्ट्रैक्शन की आदत है क्योंकि वो दिन भर यही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें ध्यान लगाने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन चूंकि वो डिस्ट्रैक्शंस में ही रहते हैं तो वो उसमें माहिर बन चुके होते हैं। तो हम ध्यान कैसे लगाते हैं? हम किसी भी चीज पर ध्यान लगाना सीख सकते हैं एक बार में एक ही काम करने की प्रैक्टिस करने से, और इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से। मेरे लिए मैं ये देखता हूँ कि वो मेरा कौन सा रूटीन है जो मैं रोज करता हूँ। मैं हर रोज अपनी वाइफ से बात करता हूँ, उसे मेरा अनडिवाइडेड अटेंशन देता हूँ। मैं अपनी अवेयरनेस पूरी तरह से उस पर ही रखता हूँ। अवेयरनेस भटक जाती है तो मैं वापस उसी पर ले आता हूँ। ये फिर भटकती है, मैं फिर उसी पर ले आता हूँ। मैं अपनी अवेयरनेस अपनी वाइफ पर ही रखता हूँ और अपना पूरा अटेंशन उसे देता हूँ। मैं हर रोज अपने क्लाइंट से भी बातें करता हूँ, अपने दोस्तों से भी बातें करता हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं उन्हें अपना पूरा अटेंशन देता हूँ। अगर मैं फोन पर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उस फोन वाले व्यक्ति को पूरा अटेंशन देता हूँ। मैं एक बार में एक ही काम करता हूँ और इसी तरह मैं दिन के खत्म होने तक 6 से 8 घंटे तक ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कर चुका होता हूँ। ऐसा करने से मैं 6 महीनों में किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में माहिर हो गया हूँ। किसी भी चीज में अच्छा बनने का बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप उसकी अलग से प्रैक्टिस करो। बेस्ट तरीका यह है कि आप उस चीज को अपने लाइफ की रोज होने वाली घटनाओं में, यानी कि अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक इंसान चुनो जिसे आप अगले 30 दिन तक अपना पूरा अटेंशन दोगे। जब भी आप उससे बात करोगे तो सिर्फ उसी से बात करोगे, अपनी अवेयरनेस पूरी तरह उस पर ही रखोगे। दूसरी चीज जो हमें डेवलप करने की जरूरत है वो है विल पावर। हर इंसान अपनी अलग अलग लेवल की विल पावर के साथ पैदा हुआ है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि हम अपने विल पावर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। विल पावर मसल की तरह होती है, मैं इसे मेंटल बाइसेप्स कहता हूँ। विल पावर डेवलप करने के 3 तरीके हैं। पहला, जो काम आप शुरू कर रहे हो उसे फिनिश भी करो। दूसरा, जिस तरह के फिनिशिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छी तरह फिनिश करो। और तीसरा, जितना आप सोचते थे कि आप कर पाओगे उससे ज्यादा करो। ये 3 तरीकों में मेहनत लगेगी और उस मेहनत को ही कहते हैं विल पावर।
तो आपको विल पावर कैसे डेवलप करनी है। आपको ये तीनों तरीके लेने हैं और इन्हें भी अपनी लाइफ के उन रूटीन्स में शामिल कर लेना है जो आप डेली करते हो। मैं हर रोज सोता हूँ, रोज सोने से पहले मैं फ्लॉस करता हूँ, ब्रश करता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं सोने की प्रोसेस को फिनिश करता हूँ। कैसे फिनिश करता हूँ? मैं अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। और आपके साथ हर रोज क्या होता है? हर रोज मैं नाश्ता करता हूँ। अगर मेरे पास नाश्ता बनाने का टाइम है तो मेरे पास नाश्ता करने का भी टाइम है, तो फिर मेरे पास नाश्ता करने के बाद वो बर्तन धोकर रखने का भी टाइम है, तो मैं वो प्रोसेस फिनिश करता हूँ जो मैंने शुरू की थी। और मैं दिन भर जो भी काम करता हूँ उनमें ये तीनों तरीके अप्लाई करता हूँ। इस तरह से दिन भर मैं अपने विल पावर डेवलप करने की प्रैक्टिस करता हूँ, और जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करते जाता हूँ मेरी विल पावर उतनी ही स्ट्रांग होते जाती है। और अब मेरे पास बहुत सारी विल पावर है। 6 महीनों में मैंने बहुत सारी विल पावर हासिल कर ली है। तो जब मेरी अवेयरनेस भटकती है मैं उसे अपनी विल पावर से वापस उसी जगह ले आता हूँ जहाँ पर मुझे उसे लाना है। फिर मैं उस अवेयरनेस को एक जगह रखने के लिए अपने ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, और फिर जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ मेरी एनर्जी खर्च होती है और फिर उस एनर्जी से मेरी लाइफ बनती है। इसलिए पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस और माइंड दो कम्प्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। आप ही कंट्रोल करते हो कि आपकी अवेयरनेस कहाँ जाएगी, आप ही कंट्रोल करते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी, और आप ही कंट्रोल करते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसी बनेगी। अगली चीज़ हमें यह सीखनी चाहिए कि हम अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें। हमें रोज़ एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी मिलती है। हम एनर्जी लेते हैं और इसे हमारे आसपास के लोगों और चीज़ों पर लगा देते हैं, और तब तक लगाते ही रहते हैं जब तक कि यह एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। फिर हम थक जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हमें वापस उतनी ही एनर्जी मिलती है और हम फिर से वह एनर्जी लोगों में और चीज़ों में तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं करते, वो ये कि वो कभी ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि उनकी एनर्जी को वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जितनी कदर आप अपने पैसों की करते हो उतनी ही कदर अपनी एनर्जी की भी करो। ये पैसों की तरह ही एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसे आपको बहुत समझदारी से मैनेज करना होगा, बहुत समझदारी से अलग अलग जगह बांटना होगा, और बहुत समझदारी से इसे इन्वेस्ट करना होगा। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, जब भी आप अपना पैसा खर्च करते हो तो पहले आप सोचते हो, समझते हो कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो। अगर आप अपना पैसा किसी स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उनसे कई सवाल करोगे कि उनके मैनेजमेंट में कैसे लोग हैं, उनका प्लान क्या है, आपके इन पैसों को वो कैसे खर्च करेंगे, और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो फिर हम किसी इंसान या किसी चीज़ पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से पहले ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाते कि वो इंसान या वो चीज़ हमारी एनर्जी डिजर्व करती है भी या नहीं? अगर मैं अपनी 10% एनर्जी किसी यूजलेस इंसान को दे रहा हूँ, मैं वही 10% अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, अपने काम को दे सकता हूँ, मैं उन लोगों को दे सकता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी बनाई नहीं जा सकती और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन ये ट्रांसफ़र की जा सकती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो अगर मैं एनर्जी नहीं बना सकता हूँ तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मैं जिस इंसान को अपनी एनर्जी दे रहा हूँ वो उस एनर्जी का क्या करेगा। अगर वो उस एनर्जी को वेस्ट करेगा तो बेहतर यह है कि मैं उस एनर्जी को अपनी फैमिली को दूँ, उन कामों को, उन लोगों को दूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे लिए डेथ एक बहुत बड़ी ताकत है एनर्जी को मैनेज करने की। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हमारी लाइफ लिमिटेड है और ये हमें एक ही बार मिली है, और चूंकि मेरी लाइफ लिमिटेड है तो मैं बिल्कुल क्लियर होना चाहता हूँ कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊँ। अगर आपको यही नहीं पता कि ध्यान किस चीज़ पर लगाना है तो ध्यान लगाना सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान लगाना सीखने के साथ साथ ये भी सीखना ज़रूरी है कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। इसे ढूंढने का एक तरीका यह है कि आप रोज़ सुबह से 5 मिनट्स खुद के बारे में सोचो, आपका पर्पस क्या है ये सोचो। ज़्यादातर लोगों को दूसरों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो सुबह उठने के बाद नहाओ और अपने घर में एक शांत जगह पर बैठ जाओ और खुद के बारे में खुद से सवाल करो। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपका पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, आपका पैशन क्या है। कितने लोग बता सकते हैं कि उनका पर्पस क्या है? बहुत कम। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, और जब आप उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो आपकी एनर्जी भी उसी चीज़ पर खर्च होगी, और उस एनर्जी से आपकी लाइफ बनना शुरू होगी, और इसके बाय प्रोडक्ट होगी हैप्पीनेस। तो दोस्तों, यह था दंड पाणी की स्पीच का एक पार्ट जो मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से हिंदी में। मुझे ये बातें बहुत पसंद आई तो मुझे लगा कि ये बातें हिंदी ऑडियंस तक भी जानी चाहिए। अगर आपको मेरी ये मेहनत हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके मुझे कमेंट्स आते हैं कि लास्ट में मैं वीडियोस को समराइज करता हूं तो वो आपको अच्छा लगता है।
मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस वीडियो को समराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में ये समराइज हो गई है। सो दैट्स ऑल। इंस्पिरेशनल बुक समरी सुनने के लिए आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।